सो फाइनली यहाँ पे Realme की कई सारी डिवाइसेस में Realme UI 5.0 का जो है ट्रायल अपडेट चल रहा है। ऐसे में स्टेबल वर्जन जो है आपको Realme के 11 सीरीज में यहाँ पे कई सारे यूजर्स को जो है यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसे में अगर हम स्टेबल वर्जन की बात करें तो अभी फिलहाल जो है टीम इस पर वर्क कर रही है और कहीं ना कहीं जो है कई सारे यूजर्स को न्यू अपडेट का जरूर से वेट है। और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपको स्टेबल वर्जन रोल आउट अगर आपको मिल जाता है तो आपको ऐसी सिचुएशन में स्टेबल वर्जन को यहाँ पे जो है अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये जरूर से मालूम होगा कि जो बीटा वर्जन जो है दिया गया है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे बग्स हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें जो है आपको कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस की थी, किसी में ऐप वर्क नहीं कर रहा, कभी ये जो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जा रही है, कभी हमारा डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, कभी हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, न जाने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको इस डिवाइस में देखने को मिल रही है। तो स्टेबल वर्जन के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप Realme 11 सीरीज के यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप एक बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं Realme UI 5.0 का, क्योंकि हमको भी यहाँ पे बीटा वर्जन ही मिला हुआ है और कई सारे यूजर्स को यहाँ पे बीटा वर्जन देखने को मिल रहा है, और इस वर्जन में आपको पता है कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता भी दिया कि बैटरी से रिलेटेड है और ऐप से रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है भाई मेरे को सबसे ज़्यादा नेटवर्क का इशू आता है, मतलब ये ना 4G ऑटोमेटिक 2G पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छे एरिया में रहें जहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूव नेटवर्क रहे और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी रहे, तब भी जो है यहाँ पे 2G का प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ठीक है, और बीटा वर्जन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर स्टेबल वर्जन मिलता है तो यहाँ पे जो यूजर होते हैं उनके उनमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हाँ हमको अपडेट अप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए एक्चुअली में अगर आप बीटा वर्जन पर रन कर रहे हैं और आप ये सोचें कि नहीं चलो अभी हम बीटा वर्जन पर ही वर्क करते हैं और स्टेबल वर्जन को अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दें, देखिए स्टेबल वर्जन आपको करना जरूरी होगा, बिकॉज अगर आप करेंगे नहीं तो आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई नया वर्जन रोल आउट किया जाता है, ठीक है, चाहे बीटा ही अपडेट रोल आउट किया जाए और उसके बाद जब तक आप उस बीटा वर्जन को नहीं करेंगे तब तक आपको स्टेबल वर्जन नहीं मिलेगा देखने को, या फिर अगर आपको स्टेबल वर्जन मिल जाए तो स्टेबल वर्जन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो बीटा वर्जन में भी आपको एक जनरली प्रॉब्लम आएगी ही, और जनरली आप उसको फेस कर रहे होंगे मे बी, जैसे यहाँ पर कोई ऐप्स हो गई, जैसे फिलहाल तो अभी टेम्परेरी चल जा रही है, पता नहीं कैसे अभी खुल जा रहा है, ठीक है, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ रहा है भाई ये ऐप नहीं चल रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन अब भाई नया अपडेट आएगा तो वो एक यूज़र को ज़रूर से उस अपडेट को करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो अपडेट नहीं करते हैं तो कम से कम जो आने वाले अपडेट्स हैं उनको उसके लिए हो सकता है काफ़ी लेट अपडेट मिले, ठीक है। जैसे एक अपडेट अभी रोल आउट हुआ और आपने सोचा नहीं हम इसको पेंडिंग में डाल दें, कुछ समय बात करें तो जो आने वाला उसके आगे का जो वर्जन है वो आपको हो सकता है कि लेट मिले, या फिर वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही लेट मिल जाए, ठीक है, दो ही कारण हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जैसे ही अपडेट मिलता है तो आपको करना जरूर से चाहिए। हाँ अगर उस स्टेबल वर्जन में प्रॉब्लम है तो आपको तब भी वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई स्टेबल वर्जन को आप कर लीजिए उसके बाद अगर उसमें प्रॉब्लम है तो टीम आने वाले अपडेट्स में मतलब 2 से 4 अपडेट में उसको फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश करेगी। अब वो चाहे बैटरी ड्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर हैंग से रिलेटेड हो, हीट से रिलेटेड हो, या फिर कोई यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, फीचर से रिलेटेड हो, कोई भी मतलब हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, किसी चीज़ से भी अगर रिलेटेड हो तो वो वहाँ पे फिक्स होगी आने वाले समय में। लेकिन अगर आपको फिलहाल से अगर स्टेबल वर्जन मिल रहा है तो आप उसको अपडेट जरूर से कर लीजिए, ठीक है। जिन यूजर्स को मिल गया काफ़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है उनको वेट करना है, आने वाले समय में स्टेबल वर्जन जिन जिन यूजर्स को मिलेगा उन यूजर्स को ये कर लेना जरूर से, क्योंकि उनको करने से उनको एक अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि आने वाले अपकमिंग अपडेट्स जल्दी मिलेंगे, और जो कुछ प्रॉब्लम उनको बीटा वर्जन में देखने को मिल रही थी उसके कंपेरिजन में भाई स्टेबल वर्जन में एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ स्टेबल वर्जन सारा चीज़ को फिक्स ही कर दें, मतलब जो जो प्रॉब्लम हो उन सभी चीज़ को फिक्स कर दें, कुछ ही हो सकता है कि फिक्स हो, ठीक है, बट वो आपको करना जरूरी होगा तभी आप जो है आगे के वर्जन में जो है यहाँ पे मूव कर पाएंगे अपने डिवाइस में, ठीक है। तो ऑल ओवर ये था बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल वर्जन से रिलेटेड मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। अब जो भी यूजर हैं उनका जो भी डाउट रहा होगा
छोटे बड़े को लेकर, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पे स्टेबल ऑर्डर को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।